मुझे फारिस से राबता करने के लिए इस घटिया शख्स की दी चीज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और फारिस, आप मुझे आस उम्मीद देकर कहाँ गुम हो गए हैं? सर को जाने इल्हाम हो जाता है कि मैंने फोन ऑन किया है या हर वक्त ही नंबर मिलाते रहते हैं। कॉल अटेंड करने से मरीज इश्क का चेहरा खिल उठता है, तो अंदाजा लगाएं मुलाकात क्या असर डालती है। सर आपको अंदाजा है रात का एक बज रहा है। सिर्फ एक पल को सोचिए कि अगर आपकी बीवी या बेटी को पता चल जाए तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। हाँ, जूनी का ख्याल आ गया था और मैं आपसे बात करना चाह रहा। मैंने वाकई आपको बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत मुआज़रत ख्वाह हूँ। एक्चुअली समझ नहीं आया कि मुझे क्या हो गया। आपकी आंखों में उस दिन नफरत देखकर बहुत बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। शुक्र है अल्लाह का, आपको देर से ही सही लेकिन समझ आ गए। आपका बहुत एहसान होगा कि आप उन कॉल्स का, उन मुलाकातों का जिक्र कभी किसी से ना करें, अपनी सिस्टर से भी। दरअसल उसका और समीर का कुछ रिलेशन, आप समझ रही हैं ना? जी सर, मुझे पता है। मुझे कोई शौक नहीं अपने आप को खुद बदनाम करने का। खैर, खुदा हाफिज़। अच्छा लिसन, मेरे कुछ मसवदे हैं आपके पास, और वो फोन भी अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है तो प्लीज सर वापस कर दीजिए। जी सर, क्यों नहीं, मुझे वैसे भी इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको जल्दी ही भिजवा दूंगी। शाबाश, और इतने सारे सवाल मत करो। अभी आपको आए हुए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, डॉक्टर अंकल ने मना किया ना ज्यादा बात करने से। आपको बताया ना मम्मा का है, मम्मा मेरे साथ गाड़ी में थी। कहाँ बच्चे, आपकी नानों के घर है, और कहाँ होंगी? नहीं आप झूठ कह रही है, मुझे पता है वो कहाँ है। अच्छा बताओ जरा कहाँ है आपकी मामा? आपकी मम्मा के पास अल्लाह मियाँ के घर पे। फहद, ये किसने कहा आपसे? ये बाबा ने कहा था कि मम्मा अब नहीं आएंगे, जैसे वो अपनी मामू को याद नहीं करते वैसे मैं भी उन्हें याद नहीं करूंगा। हर दिन भर में सुफाकियत की हद खत्म होती है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आपकी मम्मा आपके पास आएंगी, आपके साथ खेलेंगी, बातें करेंगी। सच? और बात सुने, क्या कहती है आज इनसे आपकी तबीयत साफ ना कर दूं? नहीं, मामा खास समीर से कुछ कह दिया तो मैंने तो खुद ही बाज आ जाएगी। हमारा कौन सा पहला बच्चा है जिसके लिए सेलिब्रेशन करें? ठीक है, हमारा पहला बच्चा नहीं है लेकिन हमारी बेटी का तो पहला पार्टनर है ना, उसके लिए तो खुशी बनती है। क्या करूं, भंगड़े डालूं या ढोल वाले ला के गेट पे बैठा दूं या सारे शहर में ऐलान कराऊं? कोई अनहोनी हो गई है? कम ऑन यार, अब जो आ रहा है उसे आने से रोक तो नहीं सकता। बहुत उदास लग रही हो,
नहीं, ठीक हूँ। आप बताइए, कोई काम है क्या? अरे बिना काम के तुम्हारे पास बैठ नहीं सकता क्या? खुश रहा करो, अपना ख्याल रखा करो। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? ऐसा क्या कह दिया मैंने भाई जो इतना हैरान हो रही हो? इंसान हूं भाई, और गलतियां इंसानों से होती हैं। बस बह गया भाई, इतना अरसा हमने साथ गुजारा, कभी कुछ गलत किया मैंने? पता नहीं वो सुनहरा अजीब सी लड़की है, उसकी वजह से पता नहीं मुझे क्या हो गया।